मणिशंकर अय्यर के मोदी को नीच कहने पर मांझी बोले, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। हिंदू आतंकवाद के मामले पर बोले मांझी, कहा सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, कोई धर्म खराब नहीं चाहिए, कोई भी हो और ठीक है, हम होता है लेकिन अपना शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो हम समझते हैं। अच्छा, आज जो स्वामी असीमानंद जी हैं उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाया गया है, हिंदू आतंकवाद के नाम पर उन्हें फंसाया गया है। देखिए, हिंदू आतंकवाद का जहाँ तक सवाल है, आज के वर्तमान में हम समझ सकते हैं सनातन धर्म और हिंदू धर्म आगे जाकर के जीवन का उसका कंसेप्शन अच्छा था, ये नहीं था कि आज विकसित धर्म को दूसरे को मैंने भर्तना करते हैं और धर्म नहीं सिखाता और समय करना, सबका अपना धर्म है, अपना पालन करना है, लेकिन हम कहें कि हमें सबसे अच्छा है, दूसरा को बुरा है, यही आतंकवाद है कि आए दिन खास करके भाजपा के कुछ लोग सरकार की बात को बोल करके एक समाज में और देश में विचित्रता पैदा करना चाहते हैं। असीमानंद जी ने एक वितरण हो रहा था, वहाँ पर सोनिया गांधी जी की स्ट्रेटेजी थी कि हिंदुओं का कन्वर्जन कराया जाए, ईसाई बनाया जाए और हिंदू आतंकवाद को पोसा जाए। इसमें लालू प्रसाद यादव जी का भी नाम ले रहे हैं, एसडी देवगौड़ा का भी नाम ले रहे हैं, ये सब गलत बात है, भ्रामक प्रचार वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने गरिमा में सोचना चाहिए कि अगर उनसे कोई मैंने इस धर्म से दूसरे धर्म में जो धर्मांतरण करता है क्यों करता है, अपना सोचना चाहिए कि अगर हम ठीक हैं और हमसे आकर्षण है तो कोई नहीं जाएगा, आप विकर्षण पैदा करते हैं। तो हमारे अम्बेडकर साहब 1956 में क्यों बुद्धिजीवी को अपना लिया था और कहा था कि बुद्धिजीवी को अपनाओ, इसलिए वहाँ जाति प्रथा नहीं है, इतनी विसंगतियाँ नहीं है, इस चीज़ भी उन लोगों को सीख लेना चाहिए। और ये अपनी बात करेंगे तो कोई भी आदमी इनसे अलग हो सकता है, न इसमें लालू यादव का कोई दोष है न सोनिया गांधी। उन्होंने रिपब्लिक भारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात कही है कि जो असीमानंद जी थे, आरोप लगाया उन्होंने कि जब हिंदू से जो लोग ईसाई बने और ईसाई से दोबारा हिंदू बन रहे थे तो लालू प्रसाद यादव को ये तकलीफ थी। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हमको जानकारी नहीं। अच्छा, कमल हसन के बयान पे क्या कहेंगे? कमल हसन ने कहा कि नाथूराम गोडसे जो थे वो पहला हिंदू आतंकवादी है। नहीं, इस पे भी हम ये नहीं कर सकते हैं, कोई भी आदमी गलत काम करता है उसको आतंकवादी घोषित करना उचित नहीं है। जो गोडसे ने बहुत ख़राब काम किया है, महात्मा गांधी की हत्या किया है, इसका कतई मतलब नहीं कि उसको हम कुछ वाद से जोड़ दें। ऐसी बात, आतंकवादी और हत्यारे में अंतर है या नहीं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो क्या ये आतंकवादी या हत्यारे हैं? नहीं, हत्यारा हम लोग कर सकते हैं।